वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. सो इन लास्ट क्लास वी डिड ए बी एंड सी एक्सरसाइजेस. यस, टुडे वी आर गोइंग टू डू द लेसन नंबर 5 एडजेक्टिव्स, दैट इज एक्सरसाइज डी. वी आर गोइंग टू डू टेक आउट योर ग्रामर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2020. ओके, टेक आउट योर पेंसिल एंड रबर ऑल्सो. ओके, सो डी एक्सरसाइज विल डू. ओके, री राइट द सेंटेंसेस यूजिंग the opposites of the underlined adjectives. okay, जो underline जो किया हुआ जो adjectives है बेटा उसके हमें opposites लिखने हैं. opposites तो आपको आते ही हैं. yes, और उसको rewrite भी करना है. rewrite यानी कि वापस से वो पूरा sentence हमें दोबारा लिखना है उसके opposite को put करके. okay, suppose for example यहाँ दिया हुआ है, देखो first वाला देखते हैं हम. the table is dirty. okay, underline किसको किया है बेटा? डर्टी को किया है. तो डर्टी का ऑपोजिट क्या होगा बेटा? क्लीन. यस, तो हम रीराइट करेंगे यानी कि दोबारा उसको लिखेंगे. टी एच ई द टेबल इज क्लीन. ओके बेटा, द टेबल इज क्लीन. ओके, सेकेंड, रोहन वोर न्यू क्लोथ्स. न्यू का ऑपोजिट क्या होगा बेटा? ओल्ड होगा. यस, तो रोहन वोर ओल्ड क्लोथ्स. यस, द मैन वेयरिंग अ ब्लू शर्ट इज रिच. रिच का ऑपोजिट क्या होता है बेटा? पुअर होता है. यस, द मैन वेयरिंग अ ब्लू शर्ट इज पुअर. रिच की जगह पे हम क्या पुट करेंगे बेटा? पुअर. ओके, शिल्पा हैज अ लॉन्ग ब्लैक हेयर. लॉन्ग का ऑपोजिट है शॉर्ट. तो शिल्पा हैज शॉर्ट ब्लैक है. ओके, फिफ्थ वन, द रेड बॉक्स इज एम्प्टी. एम्प्टी का ऑपोजिट होगा फुल. द रेड बॉक्स इज फुल. ओके, अभी हम एक्सरसाइज ई करेंगे. ओके चिल्ड्रन, ई में देखो, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रेजेस, चूज द आंसर फ्रॉम द स्ट्रिप बिलो. ओके, ऑप्शंस हैव बीन गिवन हियर, यू जस्ट हैव टू रीड. ओके, फ्रेजेस दिए हुए हैं. समथिंग दैट कॉस्ट अ लॉट, जो चीज़ें बहुत महंगी होती है, जो कॉस्टली होती है, कॉस्टली होती है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एक्सपेंसिव बोलेंगे. यस, क्या बोलेंगे? एक्सपेंसिव. ई एक्स पी ई एन एस आई वी ई, एक्सपेंसिव. ओके, Someone who shows a lot of courage, यानी कि कोई इंसान बहुत ही हिम्मत दिखाता है, बहुत courage दिखाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? Courageous बोलेंगे. क्या बोलेंगे? Courageous. C-O-U-R-A-G-E-O-U-S, courageous. Okay. Third one, a cake full of cream. ओके, एक केक है उसके ऊपर पूरा क्रीम है, फुल ऑफ क्रीम है, तो क्या बोलेंगे उसको? क्रीमी बोलेंगे. यस, क्रीमी की स्पेलिंग क्या है? सी आर ई ए एम वाई, क्रीमी. ओके, अ पर्सन फुल ऑफ ग्रीड. ग्रीड यानी कि कोई लालची इंसान बोल सकते हैं हम. ओके, अ पर्सन फुल ऑफ ग्रीडी, तो ग्रीड तो हम बोलेंगे, ग्रीडी पर्सन बोलते हैं ऐसे लोगों को हम. ओके, जो उसको बहुत लालच होता है. ओके, ग्रीडी, जी आर डबल ई डी वाई, ग्रीडी. ओके, अ बीच फुल ऑफ सैंड, तो हम बोलेंगे सैंडी. ओके, ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो, एस ए एन डी वाई, सैंडी. समवन हु हैज गुड मैनर्स, जिसको गुड मैनर्स होते हैं उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? वेल मैनर्ड. ही इज अ वेल मैनर्ड पर्सन. यस, हम बोलते हैं ना, यस, वेल मैनर्ड. ओके, डब्ल्यू ई डबल एल डैश करके एम ए एन एन ई आर ई डी, वेल मैनर. ओके, दीज आर, वी आर जस्ट हैव टू गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रेजेस. ऑप्शंस विल बी गिवन इन एग्जाम ऑल्सो. ओके, बेटा टेक्स्ट बुक में जो ऑप्शन दिया हुआ है वही मैं आपको एग्जाम में भी दूंगी. ओके बेटा, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एफ. ओके, yes, here you can see here, complete the adjectives, all of the words end in y. यहाँ पे आप देख सकते हो सभी यहाँ पे words जो हैं y से end होते हैं. okay, opposite of light का क्या होगा?
हैवी, ये कौन सा लाइट है बेटा, मतलब जैसे अभी मैंने बताया हैवी जो पैकेट आप लेके आते हो हैवी होता है, तो हैवी का ऑपोजिट क्या होता है, लाइट, हल्का है, हम बोलते हैं ना मेरा बैग आज हल्का है, यस उसका ऑपोजिट ऑफ लाइट का हो जाएगा हैवी, तो स्पेलिंग क्या है, एच ई ए वी वाई, ओके, नॉट क्लीन, ओके क्लीन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, डर्टी, डी आई आर टी वाई, डर्टी, ओके, नॉट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं है एंड ही ईजी है, ई ए एस वाई, ईजी, ओके, लार्ज नंबर यानी कि मैनी, एम ए एन वाई, मैनी, वेरी स्मॉल यानी कि टाइनी, टी आई एन वाई, टाइनी, नॉट वेट यानी कि ड्राई, डी आर वाई, ड्राई, नॉट ब्यूटिफुल यानी कि अगली, यू जी एल वाई, ओके, नाइस टू लुक एट, यस, प्रिटी, पी आर ई डबल टी वाई, प्रिटी, ओके बेटा, कंप्लीट दिस एक्सरसाइज ऑल्सो, ओके, कंप्लीट एक्सरसाइज डी ई एफ, नाउ विल गो टू द लास्ट G1, okay, G exercise, write the opposite of the following words, choose the answers from the words given on the right, yes, आपके right side में आप देख सकते हो options दिए हुए हैं, you just have to fill it, okay, उसके opposite हमें लिखने हैं, okay, first one you can see fierce, यानि कि gentle, okay, second old, young, thick, thin, top, bottom, happy, sad, long, short, big, small, okay, ये आपके opposites हैं और जो options दिए हुए हैं आपको just fill करना है, old का opposite young होता है, top का क्या होगा, bottom, happy, sad, long, short, big, small, ये सब आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में सब पढ़ा ही है ऑपोजिट्स, यस, तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, लर्न दिस थरली, ओके बेटा, आज के लिए सिर्फ इतना ही है, टुडे वी डिड एक्सरसाइज डी ऑल्सो, ई एफ एंड जी, ओके, रेस्ट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके चिल्ड्रन.